आज हम बनाएंगे आलू पालक की बहुत ही टेस्टी सब्जी। इसे बनाने का तरीका एकदम सिंपल है, लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ करीब 300 ग्राम पालक लिया है। पालक को हमने अच्छे से धो लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा उबाल लेते हैं। इसके लिए हमने एक साइड में गर्म पानी रखा है और एक साइड में ठंडा पानी रखा हुआ है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें सारा पालक डाल देंगे और इसे पानी में अच्छे से प्रेस कर दीजिए। और अब हम इसमें लगभग एक छोटा चम्मच चीनी डालेंगे, इससे पालक का कलर हरा भरा रहेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और केवल 2 मिनट के लिए उबालेंगे। पालक को उबालते हुए 2 मिनट हो गया है, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस पालक को हम तुरंत ठंडे पानी में डाल देंगे। पालक को तुरंत ठंडे पानी में डालने से पालक का कुकिंग प्रोसेसिंग वहीं पर रुक जाता है। तो हमने पालक को ठंडे पानी में डाल दिया है और अब हम एक मिक्सर के जार में ये पालक डाल देंगे। पानी अलग से नहीं डालेंगे, पालक में अभी जो पानी है उसी से हम इसे पीस लेंगे। तो हम इसे दरदरा पीस कर तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, एकदम पेस्ट नहीं बनाना है। और यहाँ हमने साइड में 5 मीडियम साइज के आलू को काट कर रखा हुआ है। आलू को अच्छे से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें 2 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और अब हम ये सारे आलू कढ़ाई में डाल देंगे। आलू पर हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, इससे आलू जल्दी से पक जाएंगे। अब हम गैस की आंच को मीडियम रखते हुए आलू को क्रिस्पी और सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी के लिए उबले हुए आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से पकाकर आलू लेंगे तो सब्जी में टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो ये देखिए, आलू हमारे अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं और मैंने इन्हें लगभग 8 से 10 मिनट पकाया है। तो हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, आलू और पालक को हमने तैयार कर लिया है। अब हम सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाने के लिए लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच तेल ले लीजिए। तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें लगभग 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने दीजिए। 2 पिंच के करीब मैंने हींग डाल दी है और अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक काट कर लिया है। 6 से 7 लहसुन की कली को बारीक काट कर लिया है। अब हम इन सभी को लगभग 20-25 सेकेंड के लिए भूनेंगे। तो हमने सबको 25-30 सेकेंड के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनेंगे और इसके साथ ही लहसुन अदरक और हरी मिर्च भी भून जाएंगे। और ये लीजिए, प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेसन। बेसन डालने से सब्जी को बहुत बढ़िया टेक्सचर मिलेगा और जो हमारी सब्जी है वो बनने के बाद पानी अलग से नहीं निकलेगा। तो बेसन को हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाएगा। तो ये लीजिए, हमने बेसन को भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का टमाटर। अब हम साथ ही मसाले डाल देंगे। यहाँ हमने 1/2 चम्मच नमक लिया है। नमक डालते टाइम ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला था और पालक में भी नेचुरली नमक होता है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच किचन किंग मसाला डाला है। आप इसकी जगह सब्जी मसाला भी डाल सकते हो या 1/2 चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हो। मसालों की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से भुनेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो मैं यहाँ लगभग 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देती हूँ और बस अब मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ। और ये लीजिए, हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, मसालों ने पैन छोड़ दिया है और साइड से तेल भी निकलने लगा है। और इस वक्त हम इसमें डालेंगे ये फ्राई किए हुए आलू।
अब हम आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे आलू में मसालों का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। आलू को भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये पालक, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, केवल मिक्सर के जार में थोड़ा सा पालक था उसमें 2 टेबल स्पून पानी डालकर सब्जी में डाल दिया है। अब हम पालक को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद आप एक बार नमक का टेस्ट कर लीजिए, कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें और ऐड कर दीजिए। और अब हम सब्जी को बिना ढके करीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। बीच बीच में आप इसे चला दीजिएगा। हमें सब्जी को पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं और बीच में मैंने इसे 2-3 बार चला दिया था, और सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है और आलू जो हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो जैसे हम घर में सब्जी बनाते हैं तो उसके लिए तो सब्जी बिल्कुल तैयार है, पर इसे थोड़ा और ज़्यादा टेस्ट देने के लिए, ढाबा स्टाइल बनाने के लिए हम इस पर तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने एक तड़का पैन में लगभग 1 टेबल स्पून तेल गर्म होने के लिए रखा है। इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच से भी कम जीरा डाल देंगे और उसे अच्छे से चटकने देंगे। आप चाहें तो इस वक्त 5-6 लहसुन की कली को बारीक काट कर भी फ्राई कर सकते हो। जैसे ही जीरा फ्राई हो जाएगा, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और गरम गरम तेल में 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो हम इसे ज़्यादा गरम तेल में डाल देते हैं तो मिर्ची काली हो जाती है। साथ ही 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अब हम ये तड़का सब्जी पर लगा देंगे। आप ये सब्जी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसके साथ राइस और चपाती बनाया था, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।